तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कासगंज में कहा कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सही फैसला था। तत्कालीन यूपी सरकार का बचाव करते हुए सपा नेता ने कहा कि अमन चैन कायम करने के लिए यूपी सरकार ने अपना फर्ज अदा किया था। वहीं उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, न कि भाजपा सरकार के आदेश पर। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का लाभ उठाना चाहती है। बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सपा नेता ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार राम मंदिर के जरिए लोगों का ध्यान भटका रही है ताकि लोग असल मुद्दों का जिक्र ना करें। कार सेवकों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर महंत राजू दास ने सपा नेता पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बौद्धिक आतंकवादी बताया है। महंत दास ने बताया कि स्वामी प्रसाद के बयान से सब आहत हैं, ये समाज में जहर घोलना चाहते हैं, ऐसा करके वो देश में दंगा फैला सकते हैं। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। स्वामी प्रसाद पहले भी हिंदू धर्म, सनातन और रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, एक धोखा है, कुछ लोगों के लिए धंधा है। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।